भारत का एक बहुत बड़ा हिस्सा गांव में रहता है, खेतों पर जीता है और फसलों से उसकी रोजी रोटी चलती है। लेकिन कई सारे किसान जिनके पास सिंचाई और खाद के लिए पैसे नहीं है और जिनकी जमीनें बंजर होती जा रही हैं, वो निकल पड़ते हैं शहरों की ओर। लेकिन अब एक नई आस जगी है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR ने अपने अरोमा मिशन के तहत किसानों की इस समस्या का हल ढूंढ निकाला है। अरोमा मिशन के जरिए जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर और छत्तीसगढ़ के आदिवासी इलाकों में अपना वो पहुंच बढ़ा रहा है। देश भर में करीब 3000 हेक्टेयर भूमि पर एरोमेटिक प्लांट्स की खेती को पहुंचाया गया है। इसके लिए CSIR की पूरी टीम बधाई के पात्र है। दिस इज ऑल्सो गोइंग टू अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, मेरे बच्चों के लिए है। अरे आपके पास इतने एवेन्यूज हैं, बच्चा क्या कमाओ 10 times मोर इसी लेवेंडर से। और प्रधानमंत्री तो डबलिंग फार्मर इनकम का आह्वान किए हुए, सो दिस इज पार्ट ऑफ इंडिया फ्लैगशिप प्रोग्राम। इट्स द मैंडेट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी टू एंश्योर डबलिंग। हमारा अरोमा मिशन का एक ध्येय, जो मैंने कहा कि भारतवर्ष को आत्मनिर्भर बनाना है, अगर सीमैप को देखें तो जो 6 दशक में काम किया है, पहले 80 के दशक में भारतवर्ष में जो मेंथाल मिंट का प्रोडक्शन था 0 होता था, पूरा का पूरा हम इम्पोर्ट करते थे। सीमैप ने जो वैराइटीज़ डेवलप की उसके कारण से और फार्मर्स ने जो उनको अडॉप्ट किया, आज 25 सालों से हम लोग सबसे बड़े प्रोडक्शन करने वाले और सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं। विश्व का 80% से ज़्यादा मेंथॉल मिंट भारतवर्ष में प्रोड्यूस होता है। अरोमा में सबसे पहले मैंने लेमन ग्रास चुनी, उसके बाद पामारोजा चुनी, बिटवर चुनी, तुलसी चुनी। तो मिंट की खेती के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी थी, लेकिन सीमैप ने वैज्ञानिक पद्धति से उस मिंट की खेती करने का जो सुझाव दिया और बताया, तो उसके तहत भी हमने खेती की, तो उसका भी लाभ हमें प्राप्त हुआ। अगर हम सारांश में इसकी उपलब्धियों की बात करें तो अरोमा मिशन में 27,000 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि को उच्च मूल्य वाली सुगंधित फसलों से आच्छादित किया गया। साथ ही साथ 38 नई उन्नत सुगंधित पौधों की किस्मों और 58 क्षेत्र विशेषता युक्त कृषि तकनीकियों को विकसित किया गया तथा 392 प्रसंस्करण इकाइयों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित किया गया, जिससे लगभग 200 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 4,000 टन सुगंधित तेल का अतिरिक्त उत्पादन किया जा चुका है। इस मिशन से हमने लगभग 50,000 किसान परिवारों को लाभ पहुंचाया है, 50 लाख मानव दिवस के ग्रामीण रोजगार पैदा किया है। इन किसानों के चेहरे की मुस्कुराहट ही बता रही है कि CSIR की मेहनत रंग लाई है। Once upon a time, India was depending upon other countries for its lemongrass oil requirement. But today, the history is changed. The history is changed because of the science and technology of CSIR-driven technology. Today, and especially last year, I would say in particular, India has exported 600 tons of lemongrass oil. And this is possible, this was made possible only because of this Aroma mission. And I take this opportunity to congratulate all the Aroma Mission warriors and researchers who have put in their heart and soul to demonstrate this particular achievement and accomplishment.